कल यानी 9 अगस्त को पूरे देश में नागपंचमी का महापर्व मनाया जाएगा, जिसमें बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित वार में आयोजित होने वाले नागपंचमी मेला को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नागपंचमी का मेला क्या इस बार आयोजित हो रहा है वार में या नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का सस्पेंस है कि कल आयोजित होने वाला मेला क्या वार में इस बार आयोजित होगा या नहीं होगा, तो मैं आज उसी से रिलेटेड जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चिंगू ब्लॉग। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल नागपंचमी के शुभ अवसर पर बहुत ही प्रसिद्ध सांपों का एक भव्य मेला वार में लगाया जाता है। दोस्तों, वार की लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो नेशनल हाईवे 2 यानी NH2 शिवगंज से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वार स्थित है रफीगंज रोड में। दोस्तों, रफीगंज शिवगंज रोड के बीच में स्थित यह वार, जहां पे आप आकर आसानी से इस मेला का एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो रफीगंज नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से आप यहां पे आसानी से आ सकते हैं। आने में आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, सांपों का लगने वाला बिहार का सबसे बड़ा मेला है यह। दोस्तों, यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं और सांपों को मेला में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने इष्ट को याद करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर किसी को सांप काटा है, वो कहीं से भी वार आ जाता है 24 आवर के अंदर, तो उसे बचा लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें सांप देवता यानी नाग देवता का पूजा होता है, दूध लावा ये सब चढ़ाया जाता है। दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर किसी को भी सांप काटता है तो वो बच जाता है। दोस्तों, साथ ही नागपंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ बड़े बड़े झूले, बड़े बड़े मनोरंजन के साधन और भी भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और यह मेला 9, 10, 11 तीन दिन तक चलता है। दोस्तों, क्योंकि बहुत भव्य मेला का आयोजन होता है, बहुत झूले लगाए जाते हैं, बहुत सारे लोग और इस मेले में नज़दीकी के लोग बाद में यानी 9 तारीख के बाद में भी आकर घूमते हैं। दोस्तों, तो अभी मेन रूप से अगर आप बाहर के हैं तो 9 तारीख को ही आ जाइए, यानी आप कल आकर इस मेले का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही भव्य आयोजित होने वाला वार में यह मेला इस बार भी आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले आप सभी का सस्पेंस था कि इस बार होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बार हो रहा है। दोस्तों, आयोजन हो रहा है, कार्य प्रगति पर है, वहाँ से सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से भी, और जो भी मनोरंजन का साधन है, झूला ये सब भी वहाँ पर लगाया जा रहा है। और बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी बारिश भी हो रहा है इस क्षेत्र में, औरंगाबाद का इस क्षेत्र में बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से और थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप आकर घूम सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही औरंगाबाद और बिहार के अलग अलग ज़िलों का अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट हम लाते रहते हैं हमेशा। दोस्तों, और इस मेले को हम भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद आपको इस मेला का यानी 9 या 10 तारीख को इस मेला का पूरा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों, ये तो एक सिर्फ अपडेट था इसलिए कि आप लोगों को सस्पेंस था कि कल मेला होगा या नहीं होगा, तो कल मेला होगा, आप जरूर आइएगा, भारी संख्या में आइए, इस मेले में घूमिए। और इस मेले का पूरा प्रॉपर वीडियो कल आपको चैनल पर सामने मिलने वाली है। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।